हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम एक और नई डिश आपके साथ लेके आए हैं। डिश क्या है, रेसिपी है फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं हिमाचली सिड्डू। हिमाचल में बहुत फेमस है, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बिकते हैं और हर कोई चाहता है कि हम इसको बनाना सीखें। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ सिड्डू की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि हमने क्या लिए हैं। हम बिल्कुल सिंपल वाले सिड्डू बना रहे हैं फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा इसमें हम इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रहे हैं, सिंपल से बनाएंगे और देखिएगा बहुत ही शानदार बनेंगे। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें फ्रेंड्स, मैंने ये 1.5 कप आटा लिया है। दाल हमने 3 से 4 घंटे सोक कर ली है। उसके बाद मैंने जो मसाले लिए हैं वो हैं मिर्च, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं लाल मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और ये फ्रेंड्स यीस्ट है, ये आटे को एक्टिवेट करने के लिए हम ले रहे हैं ताकि आटा फर्मेंट हो जाए। और यहाँ पर ये ऑप्शनल आइटम है फ्रेंड्स, धनिया, इसके बाद देसी घी और ये गुनगुना पानी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करते हैं और डो को प्रिपेयर करने के लिए हमें गुनगुना पानी और ईस्ट और नमक, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, बाकी जो है हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमें जो दाल है ये बिल्कुल ड्रेन करके सूखा, मतलब बिल्कुल इसका पानी निकाल देना है, उसके बाद इसको पीसना है। इसमें पानी के साथ नहीं पीसनी है, फिलिंग बनाने के लिए हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना डो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने एक परात ले ली है, आपके पास जो भी कोई बाउल या बर्तन आप जिसमें गूंदना चाहें आप उसमें गूंदें, लेकिन इसको बड़े बर्तन में गूंदने से ये फ़ायदा होता है कि इसको थोड़ा सा फूलने में स्पेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें आटा डालेंगे और आटे में हम 2 से 3 चम्मच घी के डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं और अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से घी को आटे के साथ। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आटा और घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमें फिलिंग में भी डालना है, लेकिन जो सिड्डू बनेगा उसका आउटर जो है वो फीका ना लगे, इसलिए हम इसमें भी नमक ऐड करेंगे। तो बस नमक ऐड करने के बाद सारे को अच्छे से एक बार फिर मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये गुनगुना पानी डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें, टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। तो डो को प्रिपेयर कर लेते हैं। और जब ये फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा मिक्स होने लग जाए तो हम इसमें अपना ईस्ट ऐड कर देंगे। तो ईस्ट ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब इसको हम फिर से अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और फिर अपना डो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अब। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे फ्रेंड्स, एकदम से सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, सॉफ्ट ही चाहिए बस, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं डो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो आटा है ये ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छे से इसको नीट करेंगे फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, इसको इसको फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे। तो इस 1.5 कप आटे में फ्रेंड्स अंदाजन 4 से 5, अगर मतलब बहुत आपको नॉर्मल साइज के बनाने हैं तो 4 से 5 बनेंगे। तो क्वांटिटी आप उस हिसाब से आटे की ले सकते हैं। तो इस पे अब हम थोड़ा सा घी लगा देंगे हल्का सा और बस इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, और दिखाते हैं आपको 2 से 3 घंटे बाद जब ये फर्मेंट हो जाएगा। और इसे किसी भी सूखे कपड़े से हम इसको इस तरह से कवर करके रख देंगे। अगर फ्रेंड्स आपके एरिया में सर्दी ज़्यादा हो तो आप इसे थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हैं या किसी ब्लैंकेट वगैरह में कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर गर्मी है या धूप है तो धूप में आप इसको करीब 1 से सवा 1 घंटा रखेंगे तो ये फर्मेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा आटा फर्मेंट हो रहा है
तो हम उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हम इसको नॉर्मल बनाएंगे बिल्कुल, और थोड़ा सा गरम मसाला। और फ्रेंड्स एक चीज़ ऑप्शनल है, मैं पहले आपको बताना भूल गया था कि हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, आप चाहें तो डालें, आपकी मर्जी है, नहीं डालना है तो ना डालें। और फिर डाल देंगे हम इसमें खूब सारा धनिया, इससे क्या है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और फिर हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स मैंने इसमें नमक बिल्कुल अभी ऐड नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि जब हम बनाने लगेंगे इसको तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नहीं तो क्या है कि नमक जो है वो इसको पेस्ट को बिल्कुल गीला कर देगा, तो इसलिए नमक जो है वो हम बनाने के टाइम ही इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसको प्रिपेयर करने के टाइम। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे करीब 2 घंटे हो गए हैं, तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। ये इस तरह से हम चेक करते हैं और इसमें अगर जालियाँ बनने लग जाएँ तो समझ लीजिए कि आटा हमारा तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी फिलिंग करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से करना है। तो इसको बनाने से पहले फ्रेंड्स एक बार हम फाइनल इसकी नीडिंग कर लेंगे, यानी कि हम इसको एक बार फिर से गूंथ लेंगे ताकि जो हमारे इवनली बिल्कुल ये आए, जो थोड़ा सा ऊपर से सूख गया है फ्रेंड्स वो भी इसमें मिक्स हो जाए और प्रॉपर हमारे सिड्डू बने। तो फ्रेंड्स हमने जो स्टफिंग में नमक नहीं डाला था वो अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें और नमक को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी स्टफिंग बिल्कुल ड्राई है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से, तो अगर आप भी इसी तरह से बिल्कुल सूखी दाल पीसेंगे तो ये ड्राई ही बनेगी। तो ये मैंने नमक भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसकी लोइयाँ काटेंगे। तो इसकी लोई जो होती है फ्रेंड्स वो थोड़ी मोटी रखते हैं, तो इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था 4 से 5 ही बनेंगे, तो मैं इसमें 4 ही सिड्डू बना रहा हूँ। और इसको गोल करेंगे और सूखा आटा लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरह से फिलिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसके गोल पेड़े बना लेंगे पहले, और आटे में इसको लगा के इस तरह से गोल करेंगे, गोल करते जाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा इसको शेप देंगे एक कटोरी की। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको चकले बेलने पर रोटी के स्टाइल में भी बना सकते हैं। पहले मैं आपको एक हाथ से बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको चकले बेलन से भी बना के दिखाऊंगा किस तरह से। और इस तरह से एक कटोरी शेप बना के फिर इसमें हम अपनी फिलिंग को भर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें करीब 2 से 3 चम्मच की फिलिंग भरी है, और बस अब इसको बंद करेंगे इस तरह से, और इस वाले को हम थोड़ा गोल ही रहने देंगे। और ये जैसे हम परांठे के लिए करते हैं फ्रेंड्स इस तरह से बना के इसको रख देंगे। तो दूसरा मैं आपको बेल के बताता हूँ किस तरह से करना है। सेम वैसे ही फ्रेंड्स एक पेड़ा लेंगे और इसको हम चपाती की तरह फ्लैट करेंगे, और पतला नहीं करना है चपाती की तरह, मोटा ही रखना है। तो ये देखिए थोड़ा एक लंबे आकार में हम इसको, या गोल आकार में आप चाहें तो गोल में भी कर सकते हैं, इस तरह से एक मोटी रोटी टाइप में हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, और इसके बाद हम इसमें सेंटर में इसमें फिलिंग रखेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने फिलिंग रख दी है, अब इसको हम इस तरह से बंद करेंगे हाफ मून टाइप में। और आप चाहें तो इसको जैसे गुजिया को गूंथते हैं उस तरह से भी गूंथ सकते हैं, और आप चाहें तो इसे फोक से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मेरा डिज़ाइन परफेक्ट नहीं आता है फ्रेंड्स, तो मैं इसे फोक से डिज़ाइन दूंगा और इसे इससे ये बंद भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से ये फोक वाला डिज़ाइन दे दिया है। ये देखिए इस तरह से
ये हमारा सिड्डू एक और स्टीम करने के लिए तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स इनको स्टीम कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं स्टीमिंग कैसे कर रहे हैं हम इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये सिड्डू स्टीमर या आप बोल सकते हैं मोमो बर्तन है, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो इसको पानी का लेवल आप जितना चाहें जिस हिसाब से चाहें आप डाल सकते हैं। तो हमें इसे करीब आधा घंटा कुक करना है फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें करीब 1 लीटर पानी डाल दिया, मेरे पास बड़ा बर्तन है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो इसकी प्लेट है प्लेट को ग्रीस करना है। तो इसको हम घी से या ऑयल से किसी भी चीज़ से ग्रीस कर देंगे ताकि हम जो सिड्डू इसमें रखें वो इसमें चिपके नहीं, और जब स्टीम होने के बाद हम उसे उठाएं तो वो आराम से हमारे निकल आए बाहर। तो हम इसको रख देंगे फ्रेंड्स, जैसे ही स्टीम बनने लगेगी तो हम इसमें अपने सिड्डू रख देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ स्टीम बनना शुरू हो गई है, तो मैं अब इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो ये इसमें जितने आते होंगे फ्रेंड्स उतने ही रखेंगे। तो मेरे इसमें 3 आ रहे हैं जिस तरह के मैंने बनाए हैं शेप में, तो मैंने ये 3 इसमें रख के इसको बंद कर दिया है। तो अब इसे करीब करीब 20 से 25 मिनट तक फ्रेंड्स कुक होने देंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए आप फूल गया है, इस तरह से ये फूल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे ये तैयार होने वाले हैं। लेकिन अभी हम इसे और 5 से 10 मिनट रखेंगे ताकि ये पूरी तरह से अंदर जो दाल भी है वो भी कुक हो जाए इसकी। तो फ्रेंड्स अब हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सिड्डू रेडी हो चुके हैं, इन्होंने देखिए अब कलर भी पूरी तरह से अपना चेंज कर लिया है। तो अब हम इसको बड़े ही आराम से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इनको पहले छुड़ा लेंगे, अगर ये थोड़े चिपके होंगे तो, वैसे तो चिपकेंगे नहीं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गए ये देखिए। तो अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और हल्का सा थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको सर्व करेंगे। तो सिड्डू को फ्रेंड्स हम इस तरह से पहले एक बार कट कर लेंगे सारे पीसेस इसके, और फिर इसको हम सर्व करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये तैयार हुआ है, और बस इस पर हम थोड़ा सा देसी घी पोर करेंगे इस तरह से और सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारे रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको टेस्ट कर लेते हैं अब।